अनुशली, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि बहुत से लोगों को परेशान करते हैं। जी हाँ, मसल क्रैम्प, यानी कि अचानक से कोई मसल्स में क्रैम्प आना, एठलिया आना, खास करके पिंडलियों में, जिसको काफ मसल्स कहते हैं, पैरों के निचला जो अपना काफ भाग है, पिंडलिया है, उसमें ये ज़्यादातर लोगों को देखने मिलता है, खासकर महिलाओं को ये ज़्यादातर देखने मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसके कारण है, ये मसल क्रैम्प्स के कारण क्या होते हैं और इसका समाधान क्या है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये केवल और केवल आपके जानकारी के लिए है, ये कोई भी किसी भी तरह का वैद्यकीय सलाह नहीं है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप निश्चित आपके डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह लीजिए। तो आइए ये जान लेते हैं कि मसल क्रैम्प्स, जैसे कि हमने सुना, अचानक से मसल्स में ऐठन हो जाती है, कड़क हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू होता है, और कई बार ये दर्द कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक लगातार होता है और हम पैर हाथ ये हिला नहीं सकते। जो कोई भी मसल अफेक्टेड हो वो हिल नहीं सकता है। तो क्या कारण है इस मसल? इम्पोर्टेंट कारण है जो है कि सडन पुल होना, और या उस मसल पर अचानक से स्ट्रेन आना। मान लीजिए आप सोए हैं और अचानक से पैर ऊपर उठा लिया है, या अचानक से दो विरुद्ध मूवमेंट्स है वो हो गई। मान लीजिए आप आगे झुक रहे हैं और पीछे ये हाथ कर रहे हैं, या पैर आपका अचानक से खिंचाव उसमें आ जा रहा है, तो ये जो अचानक स्ट्रेन आता है ना, उसके कारण ये मसल्स में इस तरह से क्रैम्प आता है। तो ये इसका पहला कारण है। दूसरा कारण है कि डिहाइड्रेशन होना, यानी कि शरीर से पानी की कमतरता होना। अब ये पानी की कमतरता दो तरह से हो सकती है। एक, या तो आप पानी कम पी रहे हैं, फ्लूइड्स कम मात्रा में सेवन कर रहे हैं, या फिर आपके फ्लूइड्स ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, या तो बहुत पसीना हो रहा है। जान लीजिए आप बहुत काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है जहाँ पर बहुत पसीना आ रहा है, और इस पसीने से ये पानी और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो शरीर के बाहर निकल रहे हैं, या फिर पेशाब के द्वारा ये पानी कम हो रहा है। जैसे कि डायबिटीज़ की कंडीशन होती है जिसमें बार बार पेशाब होते रहती है, ऐसे कंडीशन में ये देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की कोई दवाई, जो डायूरेटिक्स जिसको कहते हैं, यानी कि पेशाब से वाटर वॉल्यूम कम किया जाता है, ऐसी अगर आप कोई दवाई सेवन कर रहे हैं तो इससे भी यूरिनेशन ज़्यादा और यूरिन आउटपुट होने के कारण ये फ्लूइड्स कम हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि कुछ डेफिशिएंसी, मतलब हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिंस होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होने के कारण भी ये देखने मिलता है। खास करके मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसकी अगर कमतरता है तो भी ये हो सकता है। अभी इसकी भी कमतरता होने के, जैसे हमने बताया, दो कारण है। एक तो आपके इनटेक में ही ये कम है, या फिर किसी कारणवश ये आपके शरीर में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। मान लीजिए डायरिया आपको हो रहा है, या आपको ग्रहणीय IBS जैसी कंडीशन है जहाँ पर बार बार जुलाब हो रहा है, कभी जुलाब होता है कभी पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा अन्न व स्रोतस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, जिसमें से ये एब्जॉर्ब होने होते हैं, पर्याप्त मात्रा में आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब शरीर नहीं कर पा रहा है, इसके कारण उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। तो ये एक जान लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कारण है वेरिकोज वेन, यानी कि जो पैरों की जो नसें होती है उनमें ढीलापन आना, और जो खून है वो, जो खून वहाँ पर जमा हो जाना। बहुत से लोगों को ये वेरिकोज वेन की तकलीफ होती है, शिकायत होती है, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है पैरों में पिंडलियों में क्रैम्प्स आने का। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगला जो कारण है जो आयुर्वेद में बताते हैं, यानी कि पक्वाशय गर्भपात। पक्वाशय मतलब आपके बड़े आंतों में अगर वात बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप वात प्रधान खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, या फिर आप ज़्यादा मात्रा में मैदे के आइटम्स खा रहे हैं, ये आइटम्स खाने से पेट में वात बहुत बढ़ जाता है, पेट साफ नहीं होता है, और जिसके कारण भी ये पिंडिको द्वेष्टन, इसको आयुर्वेद में कहते हैं, और ये पक्वाशयगत वात का एक लक्षण है।
तो ये एक इन जनरल में इसके कारण हमने देखे कि क्या क्या कारण होते हैं। वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, तो एक सडन पुल है पैरों में, दूसरा है डिहाइड्रेशन, तीसरा है डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम पोटेशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वेरिकोज वेन है और पक्वाशय गतवा, ऐसे कुछ कारण हैं। तो आइए देखते हैं इसके उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है। पीछे लेना, ऊपर लेना, तो जो भी एक्टिविटी आप करें थोड़ा आराम आराम से करें, इसमें ध्यान रखिएगा। और रोज सुबह अगर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं तो इसका समाधान बहुत अच्छे से हो सकता है। दूसरा जो इसका सोल्यूशन है वो कि पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स का इंटेक रखिए, पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए आप, पानी का सेवन सही मात्रा में रखिए। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात है कि बहुत से वेजिटेबल्स को आपको खाना है, जैसे कि जो वेजिटेबल्स है लीफी वेजिटेबल्स नहीं, पत्ते वाले लीफी वेजिटेबल्स नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, पत्ते वाले वेजिटेबल्स खाने से शरीर में पक्वाशय में वात की वृद्धि होती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, इसीलिए उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स है, जैसे तोरई है, पडवल है, भिंडी है, इस तरह की वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। जो फल वाली सब्जी है, फल सब्जी है जिनके फल लगते हैं, वो फल की जो सब्जी हम बनाते हैं, ऐसी सब्जियों का सेवन आपको पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। एक और बात है कि आपको क्या करना है, तिल का तेल लीजिए या फिर कोई भी तेल आपके पास जो अवेलेबल है, तिल का है या नारियल का तेल है, उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करके उसको तेल को एठलियों पे रोज लगाना है। नहाने से पहले 15-20 मिनट तक आपको उसको लगाना है और फिर बाद में उसको गर्म पानी से सेकना है। ये खासकर जिनको वेरिकोज वेन की शिकायत है उनके लिए ये समाधान अच्छा है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, पश्चिमोत्तासन, ये योगासन करना है जिसमें आपको पैरों को नीचे जमीन पर फर्श पर लेट कर आपके जो पैर है वो दीवार पर लगा कर ऊपर एलिवेट करके रखना है, ताकि जो ब्लड एक्सेस ब्लड है वो सही मात्रा में वेंस में आकर के वहाँ पर कलेक्ट ना हो। साथ में आप क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं दोनों पैरों में, सुबह को क्रेप बैंडेज पूरे एठिलियों में बांध सकते हैं, जिससे कि जो वेंस है उनको एक सपोर्ट मिलेगा, या फिर वेरिकोज वेन स्टॉकिंग्स आते हैं वो आप पहन सकते हैं, तो इससे एक अच्छे से कंप्रेशन मिलेगा। रात को सोते समय ध्यान रखिए कि सोने के समय पैरों के नीचे कुछ तकिया या पिलो ऐसा रखिए ताकि थोड़े से पैर एलिवेटेड रहे, तो इससे भी काफ़ी आपको आराम आएगा। और क्या होगा कि पक्वाशयगत वात है, तो इसमें जो मैंने बताया वात को बढ़ाने वाले आइटम्स है, जैसे मैदा है या फिर ये स्प्राउट्स है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन बंद करना चाहिए। और आपका पेट सही तरीके से साफ हो रहा है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इसबगोल त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स हमने बताई सामने आप फोटो में देख सकते हैं, ये वेजिटेबल्स आप सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा और ये इस तरह से आपको शिकायत नहीं होगी। और ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आपके डॉक्टर्स को मिलिए और उसके कारण देख लीजिए, क्योंकि इसके बहुत, ये तो हम जस्ट एक जानकारी दी है, इसके अंदर अंदरूनी और भी बीमारियां हो सकती है जिसके कारण आपको ये तकलीफ हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको मसल क्रैम्स के बारे में एक जनरलाइज आइडिया, एक जनरलाइज जानकारी आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है या आपको मदद करती है, तो आप ये आपकी जानकारी, ये मेरी जानकारी आप आपके रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।